देश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने में लगी हुई है। इसी कड़ी में आज इंदौर शहर में कांग्रेस नेताओं द्वारा भाजपा लूट केंद्र नाम का केक पेट्रोल पंप पर काटा गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव विवेक खंडेलवाल, प्रदेश प्रवक्ता गिरीश जोशी के नेतृत्व में आज केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा जिस तरीके से निरंतर पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम 10 रुपए से ऊपर बढ़ गए हैं, इससे आम आदमी की महामारी में कमर टूट गई है। मगर केंद्र सरकार अपने एक साल की उपलब्धियों का बखान करते हुए वर्चुअल रैली कर रही है और प्रदेश सरकार आम जनता की तरफ ध्यान न देते हुए उपचुनाव की तैयारी में लगी हुई है। ऐसे में आम आदमी अपने आप को महसूस कर रहा है। देखिए, आज 70 साल के अंदर बड़े खुशी का दिन है। भारत के अंदर आज डीजल के रेट पेट्रोल से ज़्यादा हो गए। ये भारतीय जनता पार्टी करनी और करनी है। जब वो विपक्ष में रहते थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या स्मृति ईरानी हो या उनका कोई भी नेतृत्व हो या शिवराज सिंह चौहान हो, जब बड़ी बड़ी बातें करते थे और बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन करते थे, साइकिलों पर यात्रा निकालते थे, बैलगाड़ी यात्रा निकालते थे, मगर आज जब पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश में पेट्रोल के और डीजल के भाव सबसे ज़्यादा हैं और पूरे देश के अंदर जिस तरह से उन्होंने एक्साइज ड्यूटी और रेट लगा रखा है पेट्रोल पे, 19 रुपये का पेट्रोल आज आम जनता को 90 रुपये लीटर में मिल रहा है, उसी के विरोध में आज हमने कटाक्ष करते हुए भाजपा लूट केंद्र नाम का हमने केक बनाया और इस केक को हमने काटा और आम जनता को बताया कि भारतीय जनता पार्टी करनी और करनी में क्या अंतर है। आज हमारे साथ में अनुज शुक्ला जी, अमित चौरसिया जी, गिरीश जोशी जी, सुषमा यादव जी, मोहन कसेरा जी, नाथी दुबे जी हैं और हम सब लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रदर्शन करा है और आम जनता से निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी करनी और करनी को समझे। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।